हेलो फ्रेंड्स, जिम कॉलिंस की बुक गुड टू ग्रेट से आज हम जानेंगे कैसे एवरेज कंपनीज ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया ग्रेट बिजनेसेस में और कैसे इन प्रिंसिपल्स को आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुड इज़ द एनिमी ऑफ ग्रेट। ऑथर कहते हैं कि गुड ग्रेट का एनिमी है। आज हमारे पास गुड स्कूल्स तो हैं पर कोई ग्रेट स्कूल नहीं है। वैसे ही आज हमारे आसपास गुड कंपनीज तो बहुत सारी हैं पर कोई भी ग्रेट कंपनी नहीं है। ऑथर के हिसाब से ग्रेट कंपनीज वो हैं जो एक समय में मार्केट में एवरेज परफॉर्म कर रही थी और ट्रांसफॉर्म होने के बाद लगातार 15 सालों तक उन्होंने मार्केट से 2 से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न्स दिए, यानी कि एक बार गुड से ग्रेट ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसे उन्होंने सस्टेन भी किया। फिर कई सालों की रिसर्च के बाद ऑथर ने पाया कि जो कंपनीज गुड से ग्रेट में ट्रांसफॉर्म हुई हैं उनमें ये 4 बातें कॉमन थी। पहली, लेवल 5 लीडरशिप। ऑथर लेवल 5 लीडर्स को डिफाइन करते हैं 2 क्वालिटीज से, पर्सनल ह्यूमिलिटी प्लस प्रोफेशनल विल, यानी कि लेवल 5 लीडर्स हम्बल डाउन टू अर्थ होते हैं। अच्छे परफॉर्मेंस का क्रेडिट वो या तो गुड लक को या तो एम्प्लॉयज़ को देते हैं। वहीं फेलियर्स के लिए कभी बैड लक को ब्लेम नहीं करते और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेवल 5 लीडर्स हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए टफ डिसीजंस लेते हैं और उनका सारा एम्बिशंस कंपनी के ग्रोथ के लिए होता है, ना कि पर्सनल ग्रोथ के लिए। दूसरा, फर्स्ट हु देन व्हाट। फर्स्ट हु का मतलब है पहले राइट लोगों को चुनना जो कि सेल्फ मोटिवेटेड, डिसिप्लिन और मजबूत कैरेक्टर वाले हों। देन व्हाट का मतलब है सही लोगों को चुनने के बाद उन्हें प्रॉपर रोल्स असाइन करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेट बनाने के लिए सबसे पहले सही टीम चुनना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, अमेरिका की बैंकिंग सेक्टर की 2 कंपनीज वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका, दोनों ही अमेरिका में बैंकिंग इंडस्ट्री में होने वाले बदलाव से जूझ रहे थे। वेल्स फार्गो के CEO ने टैलेंटेड लोगों की एक टीम तैयार की, उन्हें बिना कोई रोल असाइन किए। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका ने ऐसे मीडियोकर लोगों को रिक्रूट किया जो मैनेजमेंट के डिसीजन को बस फॉलो करें। कुछ सालों बाद वेल्स फार्गो ने US बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका ने मार्केट से कम रिटर्न्स दिए। वेल्स फार्गो के CEO की तैयार की हुई टीम बाद में कई अलग अलग कंपनीज के CEO बने। किसी भी प्रोजेक्ट, कंपनी या स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा टाइम आपको सही टीम चुनने में लगाना चाहिए। फिलिप मॉरिस, जो कि US की सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक टाइम पे उनका डोमेस्टिक बिजनेस 99% था और इंटरनेशनल बिजनेस 1%। उसी दौरान फिलिप मॉरिस के CEO ने अपने बेस्ट एग्जीक्यूटिव को इंटरनेशनल बिजनेस का इंचार्ज बनाया। फिर 20 साल बाद फिलिप मॉरिस का मालबोरो सिगरेट इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गया। अपने बेस्ट लोगों को प्रॉब्लम से जूझने में नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए लगाना चाहिए। तीसरा, कन्फ्रंट ब्रूटल फैक्ट्स। US मार्केट में A&P और क्रूगर दोनों ही लो कॉस्ट जनरल स्टोर्स ऑपरेट करती थीं, जहां A&P का मार्केट शेयर 70% से भी ज़्यादा था। 1970s में जब अमेरिकन्स का लाइफस्टाइल इम्प्रूव होने लगा, उन्हें अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस चाहिए था, ना कि लो कॉस्ट सिस्टम। A&P ने इस सच्चाई को नकारते हुए बड़ी मात्रा में लो कॉस्ट स्टोर्स खोलने जारी रखे। वहीं क्रूगर ने बदलते मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस को समझा और सुपर स्टोर का कॉन्सेप्ट शुरू किया। कुछ सालों बाद क्रूगर A&P को पछाड़ते हुए एक बहुत बड़ी कंपनी बनी और A&P बैंकक्रप्ट होने की कगार पर आ गई। ग्रेट कंपनीज ब्रूटल फैक्ट्स को नकारते नहीं हैं बल्कि उन्हें फेस करते हैं, और उनका कल्चर ऐसा होता है जहां एम्प्लॉयज़ को गलतियां या शॉर्टकमिंग्स बताने के लिए एनकरेज किया जाता है। चौथा, हेजहॉग कॉन्सेप्ट। ऑथर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को 2 भागों में बांटते हैं, फॉक्सेस और हेजहॉग। फॉक्सेस वो होते हैं जिनके बहुत सारे गोल्स और इंटरेस्ट होते हैं, उनकी सारी एनर्जी और थिंकिंग सबको पूरा करने में निकल जाती है और वो अंत में कुछ भी ग्रेट अचीव नहीं कर पाते। वहीं हेजहॉग सिंगल गोल पर फोकस करते हैं और उसे बाकी सबसे बेहतर करते हैं, यानी कि उस फील्ड में ग्रेटनेस अचीव कर लेते हैं। सारी ग्रेट कंपनीज में ये बात कॉमन थी। उन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना एक हेजहॉग कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया और अपनी सारी एनर्जी और रिसोर्सेज उस पर लगाई। हेजहॉग कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 बातों का मिलना बहुत ज़रूरी है। पहला, व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, यानी कि ऐसा काम जिसको करने के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। फिलिप मॉरिस के CEO सिर्फ इसलिए सिगरेट नहीं बेचते थे क्योंकि वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, बल्कि उन्हें लगता था कि सिगरेट खराब होने के बावजूद लोगों को अच्छी फीलिंग देता है। दूसरा, व्हाट यू कैन डू बेटर देन अदर्स, यानी कि ऐसा काम जिसमें आप अच्छे हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आप उसे दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। तीसरा, ड्राइव योर इकोनॉमिक इंजन, यानी कि उस काम को करने से आपको रिवेन्यू मिलता हो। US की फार्मा कंपनी एबॉट ने बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनी से मेडिसिन के फील्ड में कम्पीट करने के बजाय न्यूट्रिशनल और डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स पर फोकस किया, और उनके इसी हेजहॉग कॉन्सेप्ट की वजह से वो एक बाद में हाई ग्रोथ वाली कंपनी बनी। ग्रेट कंपनीज के एग्जीक्यूटिव हेजहॉग कॉन्सेप्ट को लेके डिसिप्लिन्ड होते हैं और प्रॉफिट एंड डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में नहीं रहते। 1960s में RJ रेनॉल्ड्स और फिलिप मॉरिस, ये 2 अमेरिका की बड़ी टोबैको कंपनीज थी,
1964 में जब रिसर्च में यह पाया गया कि टोबैको से कैंसर होता है, तब आरजे रेनॉल्ड्स ने डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए अपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट से अलग हटके बिजनेस को एक्सपांड किया, जैसे कि शिपिंग और ऑयल बिजनेस। वहीं फिलिप मॉरिस, जिनका हेजहॉग कॉन्सेप्ट था एडिक्टिव प्रोडक्ट्स, इसी फील्ड में एक्सपांशन किया, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट्स। आरजे रेनॉल्ड्स बाद में जाके बैंकक्रप्ट हो गई, वहीं फिलिप मॉरिस ने मार्केट से 4 गुना ज़्यादा रिटर्न्स दिए। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई कंपनी कभी ग्रेट नहीं बन सकती। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर ऑसबॉर्न नाम की कंपनी ने बनाया था, लेकिन आज हम डेल और एचपी के कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेजहॉग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए लगाया जाए तो कंपनीज ग्रेट बन सकती हैं। जिलेट ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लो कॉस्ट रीयूजेबल शेविंग ब्लेड्स बनाने में लगाया और एक सक्सेसफुल कंपनी बनी। वहीं क्रूगर, जो कि सुपर स्टोर चलाने वाली कंपनी है, उन्होंने बार कोड स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने में लगाया और सक्सेसफुल बनी। टेक्नोलॉजी केवल ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के ही काम आती है। इसे यूज़ करके कंपनी को ग्रेट बनाने के लिए डिसिप्लिन, लोग, लेवल 5 लीडर और हेजहॉग कॉन्सेप्ट जरूरी है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की जिम कॉलिंस की बुक गुड टू ग्रेट से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।